सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन में 11th, इसमें देखिए मैं क्या कह रहा है कि आपका जो ए बी सी एंड ए डी सी आर द टू राइट एंगल ट्रेंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूस ए सी, मतलब कुल मिलाकर में देखिए प्रूफ हमें करना है कि आपका एंगल सी ई डी और किसके इक्वल होगा, हमारा सी बी डी के कितना होगा इक्वल होगा। तो कुल मिला जुलाकर देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान है। हमें क्या कहा है कि आपका मान लीजिए एक सर्कल है, उसमें आपने जो ये ट्रायंगल बेसिकली मान लीजिए एसी हमें दिया है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस मान लेते हैं भैया हाइपोटेन्यूस एसी हमारा कॉमन है तो ये हमें गिवन है। तो हम जो ए बना रहे हैं मतलब एक बार हमने डी मानकर एक ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं तो हमारा 90 डिग्री गिवन है, उसी प्रकार हम लोग एक बार और ड्रा कर रहे हैं बी को कंसीडर करके तो ए भी हमारा 90 डिग्री। ये सब बात हमें क्या है, ये सब बात हमें बेसिकली गिवन है। और ये जो बेसिकली जो ए सी है यह हमारा सर्कल कहाँ से पास हो रहा बताइए, हम लोग बताइए पास होगा कि नहीं, हाँ ये हमारा सेंटर से पास हो रहा है, ये सब बातें हमें गिवन है ठीक है। तो हमें बेसिकली पूछ रहा है क्या कि आपका जो एंगल ए सी डी, या बेसिकली पूछ रहा है कि सी ए डी मतलब सी ए डी मतलब ए वाला और किसके इक्वल पूछ रहा है कि आपका सी बी डी, सी बी डी बताइए कहाँ, सी बी डी चलिए मान लेते हैं सी बी डी इस तरीके का है। तो आपका सी बी डी को हमें इक्वल दिखा रहा है क्या, हमें इक्वल दिखा रहा है कि एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो बहुत आसान है, सही बताइए हमने पढ़ा था कि हमारा जो सर्कल होता है इसमें अगर हम इस तरीके कोई अगर लाइन जो हमारा सेम सेगमेंट लाइन करता है तो इक्वल होता है कि बताइए आप लोग, बिल्कुल इक्वल होते हैं। आप मान लीजिए यक्ष एक डिग्री होगा तो ये भी आपका कितना होगा, यक्ष डिग्री होगा ना। तो उसी प्रकार बताइए ये दोनों बात तो भैया हमारी सेम ही जगह लाई कर रही है, बताइए आप लोग सेम ही सेगमेंट में लाई कर रही है कुछ इस तरीके से। तो हम नहीं कह देंगे कि ये वाले बात क्या हो आपके इक्वल ही होंगे, कैसे बताइए आप लोग, हाँ एज लाई इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट। तो बस यही बात हमें प्रूफ करनी थी, ये बात हमने प्रूफ कर दी, करना कुछ इसमें नहीं था, बस आपको फिगर एक बार एनालाइज करके ड्रा करना था, बस हमारा काम हो जाता कि भैया दोनों सेम सेगमेंट लाई कर रहे थे क्या होंगे आपस में, आपस में इक्वल होंगे तो हमारा काम हो गया ठीक है।